डभरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम किरारी के राम मोहल्लो के एक युवक को महुआ शराब का अवैध रूप से तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया। हम बता दें कि डभरा थाना क्षेत्र में कई गांवों में अवैध रूप से महुआ शराब निकालकर अवैध रूप से कई गांव में बिक्री किया जाता है, जहां पुलिस द्वारा एसपी पारुल माथुर के निर्देश पर डभरा पुलिस लगातार तबीज देकर अवैध महुआ शराब की बिक्री रोकने का प्रयास कर रही है। आज 16 जून को मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम किरारी के रामपुर मोहल्ले के युवक भुवनेश्वर पिता चमार सिंह अवैध रूप से महुआ शराब ग्राम मेड़ापाली से लेकर गांव में आ रहा है। यह सूचना पर डभरा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचा और अवैध रूप से शराब लेकर आ रहे युवक भुवनेश्वर को मिनी स्टेडियम के सामने मंडी मैदान के पास रोका तो पूछताछ करने पर एवं तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध रूप से रखे पीले रंग के प्लास्टिक डिब्बे में 15 लीटर व 5 लीटर अलग से प्लास्टिक के डिब्बे में छिपा कर रखा था। आरोपी भुवनेश्वर से कुल 20 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया। आरोपी भुवनेश्वर पर आबकारी एक्ट के तहत मामला कायम किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डीएनएक्स टीवी के लिए डबरा से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। आज दिनांक को ग्राम किरारी के ग्रामीणों से सूचना मिला कि ग्राम किरारी का भुवनेश्वर पाव अवैध बिक्री करने हेतु कच्ची महुआ शराब रखा हुआ है, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर रेड कार्रवाई किया गया। आरोपी भुवनेश्वर पाव पिता चमार सिंह पाव जो 35 वर्ष निवासी किरारी के कब्जे में मंडी परिसर किरारी में दो पीले रंग के प्लास्टिक डिब्बा में कुल 20 लीटर कच्चे महुआ शराब जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी को जेल भेजा गया है।